ईरान ने पाकिस्तानी सीमा पर घुसकर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस बार ईरान ने जमीनी हमला किया है और आतंकी संगठन जश्न अल अदल के कमांडर को ढेर कर दिया है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से ईरान ने पाकिस्तान की सीमा पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमला किया था। इससे दोनों देशों में काफी तनाव बढ़ गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक सुनियोजित तरीके से आतंकवादी संगठन जश्न अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उनके कुछ साथियों को ढेर कर दिया है। जश्न अल अदल का संगठन 2012 से संचालित है और ये एक सुन्नी संगठन माना जाता है जो ईरान के दक्षिण पूर्व प्रांत बलूचिस्तान से संचालित होता है। इस संगठन को ईरान की सरकार आतंकवादी संगठन मानती है। ईरान में हुए कई हमलों में इस संगठन का हाथ माना जाता है। बीते साल दिसंबर में बलूचिस्तान के प्रांत में पुलिस स्टेशन पर भी एक हमला हुआ था, जिसमें 11 पुलिस वालों की मौत भी हो गई थी। इस हमले के पीछे भी इसी संगठन का हाथ माना जाता है, जिसको लेकर ईरान और पाकिस्तान में अक्सर तनाव होता रहता है और एक दूसरे पर छुटपुट हमले होते रहते हैं।